ये है Realme की नई वॉच S100 2500 के आसपास के प्राइस ब्रैकेट में आपको देखने को मिलती है और हम अब इसे 9 से 10 दिन से यूज कर रहे हैं। गाइस मेरा नाम है कैफ, आप देख रहे हैं नॉइज़ टेक एंड इस वीडियो में देखा जाए मुझे ये वॉच कैसी लगी। सबसे पहले डब्बे के अंदर आपको ये मैनुअल मिल जाएगी, ये चार्जिंग केबल मिल जाएगी एंड फाइनली आपकी वॉच मिल जाएगी। बात कर लेते हैं भाई डिजाइन की। यहाँ पे दिखती पूरी मेटल है ये वॉच, बट एक्चुअल में ये प्लास्टिक है, बट काफी प्रीमियम दिख कर आती है। ये सिंगल बटन बेसिकली डिस्प्ले वेक एंड स्लीप का काम करता है एंड काफी रिस्पॉन्सिव है। ये वॉच दिखने में काफी अच्छी लगती है, मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। ये जो स्ट्रैप है ये 20mm का है एंड ये भी प्लास्टिक का दिया है। मुझे ऐसा लगता है ये बकल एटलीस्ट मेटल का दे देना चाहिए था, बट यहाँ पे कॉस्ट कटिंग हुई है। वॉच दिखने में काफी अच्छी लगती है, हाँ थोड़ी सी ज्यादा जाड़ी लगी मुझे, बट ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर द प्राइस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको IP68 की रेटिंग मिल जाती है। अब बात कर लिया जाए डिस्प्ले की, आपको यहाँ मिलता है 1.69 इंच का डिस्प्ले। जहां तक मुझे लग रहा है ये 240x280 का रेजोल्यूशन है। मुझे सच बताओ तो डिस्प्ले से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डिस्प्ले का कलर एक्यूरेसी काफी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे ब्लू कलर या रेड कलर काफी अच्छे से दिख कर आते हैं। ब्राइटनेस लेवल्स डिसेंट है, बहुत ज्यादा हाई नहीं बोल सकता मैं इस वॉच के। ये क्योंकि एक TFT पैनल है इसलिए मुझे ऐसा लगा यहाँ पे डिस्प्ले थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज मिल सकता है। इतना बड़ा कोई इशू नहीं है एंड 2500 में कोई भी कंपनी आपको IPS नहीं देती है, ये चीज आपको सोच कर चलना है। फॉर द प्राइस दिस इज अ गुड डिस्प्ले, आपका काम हो जाएगा। रेस्ट टू की बात करो तो रेस्ट टू यहाँ पे काफी डिसेंट है, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं बोल सकते, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं बोल सकते। अब बात कर लिया जाए भाई सेंसर्स। ये सेंसर्स SPO2 हार्ट रेट जमीन पे काम नहीं करेंगे, हवा में काम नहीं करेंगे, जो अच्छी बात है। रियल सेंसर्स है, परफेक्ट रेड लाइट सेंसर दिया है SPO2 के लिए। SPO2 काफी एक्यूरेट लगा, 0 to 2% का डिफरेंस लगा पल्स ऑक्सीमीटर से कंपेयर किया तो। हार्ट रेट भी काफी एक्यूरेट, 0 to 1% का सिर्फ डिफरेंस। स्लीप ट्रैकिंग इस वॉच की काफी अच्छी है, मुझे ऐसा लगा सिर्फ 5 से 10 मिनट या 15 मिनट का ही फर्क था। 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाती है एंड टेम्परेचर सेंसर भी दिया है भाई यहाँ पे डीजो वालों ने, जिसके कारण भाई आपको अगर ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आप ज्यादा गर्म हो रहे हो, ये टेम्परेचर बताएगी कि भाई आपका अभी तापमान कितना है। आपको इस वॉच को फर्स्ट टाइम में 10-15 मिनट एक साथ पहन के रखना पड़ता है, जिसके बाद ही आपको टेम्परेचर में रीडिंग्स देखने मिलेगी। भाई इस वॉच के डिस्प्ले में कहीं ग्रे कलर नहीं दिखा, बट आपको दिखेगा अगर आप नॉइज़ टेक के रेड सब्सक्राइब बटन को एक बार टुचुक से दबाओगे, क्योंकि वो ग्रे हो जाता है। भाई बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, 1,00,000 सब्सक्राइबर्स वॉच में हेल्प करो, और भाई कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे DM करो, वहां बिल्कुल हेल्प करने की कोशिश करेंगे। भाई इस वॉच के UI काम है, फैन हो गया, इतना ज्यादा स्मूथ UI है मुझे नहीं लगता मैंने किसी वॉच पे देखा हो इस प्राइस ब्रैकेट में। सिर्फ ये स्मूथनेस देखो, बिल्कुल भी जिटर नहीं है यहाँ पे, काफी ज्यादा स्मूथ UI है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह स्मूथनेस मिलेगी आपको। ऊपर से नीचे सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, राइट पे आपको दिन का एक्टिविटी, हार्ट रेट, SPO2, ये सारा डेटा, म्यूजिक कंट्रोल मिल जाएगा। लेफ्ट में छोटा सा कंट्रोल पैनल है, रेस टू एक यहाँ से ऑन कर सकते हो, सेटिंग में जा सकते हो। सेटिंग में आप वॉच फेस चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइम आउट, रेस टू एक, ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। DND VND शेड्यूल कर सकते हो। यहाँ पे आपको 24 वर्कआउट्स मिल जाएंगे जो काफी सारे है, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। बॉडी टेम्परेचर, ये सब की सेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है। अलार्म, स्टॉप वॉच, टाइमर, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, ब्रीथ मोड, वेदर कंट्रोल, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। एंड यस, इस वॉच पे आपको फ्लैश लाइट तक देखने मिलती है। डेफिनेटली भाई रियलमी ने सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। यहाँ पे आपको Realme का फिट ऐप मिल जाता है, जहाँ पे आपको इस वॉच रिलेटेड सारा डेटा मिल जाएगा, पूरे दिन का, आपका बाकी के दिनों का भी मिल जाएगा। एंड यहाँ पे सेटिंग्स में भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, 24 आवर हार्ट रेट, वाट रेट वहां से ऑन कर सकते हो, सेडेंटरी रिमाइंडर्स, ये सारी चीजें वहां मिल जाएगी। भाई Realme क्लेम करता है यहाँ आपको मिलेगी 12 दिन की बैटरी लाइफ, 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटरिंग एंड रेस टू वेक, ये दोनों चीज ऑन थी एंड मुझे इजिली 5+ डेज ऑफ बैटरी लाइफ मिल रही थी फॉर द प्राइस, विच इज अमेजिंग। मेरे हिसाब से 2000 या 2500 में भी आप 100% ये वॉच ले सकते हो, दिस इज 100% अ वेरी गुड डील, आपको मजा आएगा ये वॉच यूज करने में, स्पेशली इसका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। हाँ, एक का ड्रॉबैक है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्लास्टिक ज्यादा यूज कर लिया रियलमी ने, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्ले के नीचे चिन ज्यादा है, बाकी मुझे ऐसे नहीं लगा कि फॉर द प्राइस आपको ये वॉच में कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, ये मुझे थोड़ी सी डीजो वॉच 2 से ज्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि यहाँ पे असली सेंसर्स भी दिए गए, डीजो वॉच 2 के सेंसर्स भी इतना एक्यूरेट नहीं थे। 100% यू कैन बाय दिस वॉच एट 2500 रुपीज, एंड आपको बाय करना है तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके 1,00,000 पोस्ट में हेल्प करो। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।